तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा लंग पाया जाता है वो लास्ट क्लास के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। नाउ अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा, ह्यूमंस के पास वन पेयर ऑफ लंग्स पाया जाता है। वन पेयर ऑफ लंग्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? यस, थोरेसिक कैविटी में। ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, या चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, या आप इसको एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं, उसके नीचे आप पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी को तीन कैविटीज में डिवाइड कर दिया गया है। नाउ यस, ये कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में। एक चीज आप ध्यान दीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, ठीक है। नाउ जरा आपको, हमको नेजल कैविटी दिखाने से पहले आपको डायग्राम हम दिखा दें, ठीक है। ये थोरेसिक केज का डायग्राम है, और ये जरा डायग्राम आप देखिए, ठीक है। ये जो आप डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां से नेजल, एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग है, ये आपका टोटल पूरा नेजल कैविटी है, ठीक है। नेजल कैविटी आप देख रहे हैं, ब्रेन और नेजल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन वॉल है, ब्रेन और नेजल कैविटी के बीच में पार्टीशन वॉल है। फिर आप ये देख रहे हैं, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी और इसके बीच में भी एक पार्टीशन वॉल है, और लेकिन लास्ट में जाके सब के सब ओपन हो गए, लेकिन ब्रेन का पार्टीशन कंटिन्यू है, पर नेजल कैविटी का ओपनिंग जो है और ओरल कैविटी का ओपनिंग आपस में जाके मिल गया है। चलिए अब हम एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। नाउ ये देखिए, लंग्स का डिस्कशन थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है, पहले हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ब्रेन और नेजल कैविटी को हमने सेपरेट कर दिया, ये नेजल कैविटी का ओपनिंग है ये, और ये आपका मान लीजिए ओरल कैविटी का ओपनिंग है, ठीक है, और यहां नीचे टंग है, ठीक है, और ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू हुआ। यहाँ पे एक ओपनिंग होगा जिसको हम लोग विंड पाइप बोलेंगे, यहाँ पे एक फूड पाइप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रफ डायग्राम आप देखिए, बाहर एक ओपनिंग आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नाउ ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू इन नंबर होता है, कितना होता है? दो इन नंबर, एक इधर, ठीक है, क्योंकि बीच में एक पार्टीशन वॉल है। इस पार्टीशन वॉल को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको? नेजल सेप्टम। नाउ ये नेजल सेप्टम क्या हो गया? राइट और लेफ्ट दो नोज में डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरह हमारे दो नेजल चेंबर हो गया, एक राइट नेजल चेंबर, एक लेफ्ट नेजल चेंबर, ठीक है, पार्टी नेजल सेप्टम। नाउ ये आप देख रहे हैं नोजल कैविटी, ऊपर में इस तरह से पार्टीशन वॉल है ब्रेन से, और नीचे ओरल कैविटी से भी पार्टीशन वॉल है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका? नेजल चेंबर, नेजल चेंबर। ये नेजल चेंबर पीछे की तरफ भी ओपनिंग है एक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नेजल ओपनिंग, इंटरनल नेजल ओपनिंग, इंटरनल नेजल ओपनिंग, इंटरनल नेजल ओपनिंग, या इसको आप कोएनी भी बोलते हैं, कोएनी भी बोलते हैं, कोएनी भी बोलते हैं। नाउ पीछे की तरफ एक ओरल कैविटी का ओपनिंग है, पीछे की तरफ क्या है? ओरल कैविटी का ओपनिंग है। पीछे की तरफ किसका ओपनिंग है? ओरल कैविटी का ओपनिंग है, ठीक है। नाउ ये चीज आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। ये जो है एक स्ट्रेट ट्यूब है, कैसा ट्यूब है? स्ट्रेट ट्यूब है। कहां तक गया है? T5 पे जाके डिवाइड कर गया है थोरेसिक वर्टिब्रा। ये T5 क्या? थोरेसिक वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, थोरेक्स रीजन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको थोरेसिक वर्टिब्रा करते हैं। पांचवे नंबर पे जाके ये बाइफर्केट कर गया है, डिवाइड कर गया है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो कि कार्टिलेज का होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स। और यहीं पे एक और इस तरह से लीफ लाइक कार्टिलेज होता है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। नाउ जरा आप एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, आप एपिग्लॉटिस देख रहे हैं, लैरिंग्स की बात करते हैं।
लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है. सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस बॉक्स. कार्टिलेजिनस बॉक्स क्योंकि कार्टिलेज का बना होता है. दूसरा चीज और ध्यान दीजिए, ये साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास वोकल कॉर्ड हो सकता है, वोकल कॉर्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. इसमें बहुत सारा कार्टिलेज है, ठीक है. नाउ ये लीफ लाइक जो कार्टिलेज देख रहे हैं ये तो स्टूडेंट सी आप एपिग्लॉटिस जो देख रहे हैं, ये एपिग्लॉटिस जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज. इसका फंक्शन आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है. एपिग्लॉटिस जो है ये तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब लाइक ओपनिंग है. नाउ ये ट्यूब को जो है ट्रेकिया जो है इसे एयर पास करता है, इसीलिए इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं. और उसके बगल में उसके पीछे में जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं. इससे फूड पास करता है इसलिए इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं. नाउ इसके जो ओपनिंग है इसको हम लोग स्टूडेंट्स गलेट बोलते हैं, और इसका ओपनिंग जो है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है. एक बात आप ध्यान दीजिए, इपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर रहता है कौन पता जैसा, इपिग्लॉटिस. जब भी आप फूड स्लो करते हैं आप देखिए ट्रेकिया ऊपर की तरफ मूव करता है, स्लो करिए ट्रेकिया ऊपर की तरफ मूवेगा. ये इपिग्लॉटिस फिक्स रहता है, ट्रेकिया ऊपर की तरफ मूव करता है, और ग्लॉटिस जो है ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाता है. इससे क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द एयरवे. प्रिवेंट इपिग्लॉटिस क्या करता है, इपिग्लॉटिस का क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इन एयरवे. अच्छा एक और आप चीज यहां पे ध्यान दीजिए, साउंड तो प्रोड्यूस करता ही है लैरिंग्स, उसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं. साउंड बॉक्स क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है और कार्टिलेज का बना होता है इसलिए इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स. एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपको दिखाया था अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले, इस तरह से यहां पे बोनी उभार होता है, इसको हम लोग कोंका बोलते हैं. इस नेसल चेंबर में बहुत सारा नेजल हेयर्स भी पाया जाता है, ठीक है. नाउ ये नेजल चेंबर का तीन फंक्शंस है, क्या क्या. पहला, इट क्लींस द एयर. क्लींस एयर कैसे होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होगा, म्यूकस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, नेजल हेयर होगा वो भी फिल्ट्रेशन में काम करेगा. दूसरा, ये वार्मिफिकेशन करवाता है. नेजल एयर देखिए वार्म होता है और थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड भी होता है, तो क्या करा देगा, वार्मिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन. वार्मिफिकेशन भी करवाएगा और ह्यूमिडिफिकेशन भी करवाएगा. वार्मिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, क्लींस द एयर, ये काम हो गया किसका, नेजल चेंबर का. नाउ ट्रेकिया को जो है हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, उसको आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना. उससे पहले आप देखिए ट्रेकिया का कंप्लीट डिवीजन. ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ T5 पांचवें थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस पे, ठीक है. ये राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड करेगा टू बनाता है, पहले तो प्राइमरी ब्रोंकस बना, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस बना, फिर टर्सरी ब्रोंकस बना, फिर आपका ब्रोंकियोल्स बनेगा, फाइनली डिवाइड करते 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 टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. नाउ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवीजन करके एल्वियोलाई बना देगा. अल्वियोलाई जो है ट्रेकियल ट्री का लास्ट डिवीजन है. अल्वियोलाई क्या है, ट्रेकियल ट्री का लास्ट डिवीजन है, ठीक है. कहां पे डिवाइड किया है, T5 पे डिवीजन स्टार्ट हुआ है, इस तरह से डिवीजन होते 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 एट लास्ट अल्वियोलाई बनाया, ठीक है. नाउ अल्वियोलाई के बारे में कुछ पॉइंट यहां पर देखिए आप. अल्वियोलाई जो है ये इतना बैग लाइक, हाईली वास्कुलराइज बैग लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर हाईली वास्कुलराइज्ड बैग लाइक
इररेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है, बढ़ावा देता है, इस रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप देखना किस तरह से ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है। नाउ ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, जरा आप हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। यस, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग लेड टू द नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल चेंबर ओपनिंग इन द नेसोफेरिंग्स। चलिए फेरिंग्स का कांसेप्ट आप समझिए, जहां पे एयर वाटर फूड क्रॉस करता है, आप ये एरिया देखिए, इस एरिया में अगर आप देख रहे हैं, यहां से एयर आ रहा है, यहां से फूड आ रहा है, सब कुछ क्रॉस करेगा, तो इस एरिया को, इस पैसेज को हम लोग नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। जरा आप डायग्राम देखिए, ये अगर आप डायग्राम आप देखेंगे तो ये एरिया देखिए, यहां पे ये नेजल ओपनिंग है, ये एरिया आपका नेसोफेरिंग्स हो गया, ये आपका एरिया ओरोफेरिंग्स हो गया, ये एरिया आपका लैरिंगोफेरिंग्स हो गया, ठीक है, ये हाइपोफेरिंग्स भी बोल दिए, ये आपका नेजो, ठीक है, नेजो हो गया, ये वाला एरिया जो होता है ओरोफेरिंग्स, और उसके बाद जो एक और एरिया है यहाँ पे जिसको आप हाइपोफेरिंग्स बोल रहे हैं, ये वाला आपका हाइपोफेरिंग्स हो गया। समझ में आया, पीछे जाके सब कुछ मिक्स हो जाता है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, नेसोफेरिंग्स इज ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, नेसोफेरिंग्स ओपन्स टू द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन टू द ट्रेकिया, ग्लॉटिस के थ्रू वो ट्रेकिया में चल जाता है, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हेंस कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ द ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एज व्हाट, एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रेकिया क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है। नाउ एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, इट डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा टू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, इच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस एंडिंग अप इन द टर्मिनल ब्रोंकियोस, और फिर जाके वो अल्वियोलाई बना देता है। नाउ एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंकियोस तक, यहां से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंकियोस तक ये कंडक्टिंग जोन बनाता है, कंडक्टिंग जोन बनाता है। क्यों कंडक्टिंग जोन बनाता है, क्योंकि 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 इस एरिया में नो गैसियस एक्सचेंज, यहां कोई भी गैस का एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, अभी तक ब्लड के पास कोई भी, ब्लड के पास कोई भी एयर नहीं पहुंच रहा है, कोई भी एयर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से कार्टिलेज होता है जो कि सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होता है, जो कि एयर एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है, एयर एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। और एक बात आप ध्यान दीजिए, अल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस थिंग, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड वास्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज व्हाट, अल्वियोलाई। नाउ ये वाला पॉइंट बाद में देखते हैं। The part starting from the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute conducting part. Conducting part का क्या क्या हो जाएगा? Function transport of the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidifies, also bring to the air to the air temperature, body temperature. Alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system, जहाँ पे actually gas का exchange होगा।